गुड मॉर्निंग दोस्तों हाउ आर यू ऑल बाइक राइडिंग करने के नए नए तरीके तो हम ढूंढ ही रहे हैं बट बाइक राइडिंग कभी भी, भी करें कैसे भी करें वो सेफली करना ज़रूरी है और उसके लिए सेफ्टी एक्सेसरीज़ बहुत ज़रूरी है वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट एक्सेसरी ऑफ बाइक राइडिंग इज द ग्लव्स दोस्तों कुछ ही महीनों पहले कुछ ही वीक्स पहले मैंने एक बाइकिंग एक्सेसरी यानी कि ग्लव्स के बारे में अनबॉक्सिंग की थी और लास्ट टू लास्ट वीक ही मैंने उसका रिव्यू किया था आज आपके लिए ऐसा ही एक और ग्लव्स मैं लेकर आया हूँ जिसका नाम है क्रैमस्टर टी आर जी टू राइडिंग रेसिंग ग्लव्स दोस्तों इस ग्लव्स का अनबॉक्सिंग करने से पहले अगर आप इस चैनल पर पहली बार आए हैं और आप ये मेरा वीडियो पहली बार देख रहे हैं तो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब करें सब्सक्राइब करने के बाद वो नोटिफिकेशन बेल ज़रूर दबाएं और इस वीडियो को लाइक करें नीचे कमेंट सेक्शन में मुझे बताएं आपको वीडियो कैसा लगा और इसे ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करना ना भूलें Earth... बात करते हैं ग्लव्स के बारे में दोस्तों जनरली हम जब राइड्स पर जाते हैं लंबी राइड्स पर जाते हैं तो अलग अलग तरीके के ग्लव्स हम पहनना पसंद करते हैं कुछ लोगों को काफ़ी शॉर्ट ग्लव्स पहनने पसंद है कुछ लोगों को सेमी गोंटलेट और कुछ लोगों को फुल गोंटलेट ग्लव्स दोस्तों स्पेशली जब लॉन्ग राइड्स पर जाते हैं या लंबी राइड्स पर जाते हैं तो फुल गोंटलेट ग्लव्स काफ़ी हेल्पफुल साबित होते हैं क्योंकि उसमें सबसे ज़्यादा सेफ्टी होती है और क्रैम्प्टर के ये टी आर जी टू ग्लव्स ऐसे ही फुल ग्लॉन्टलेट राइडिंग रेसिंग ग्लव्स हैं जो आज मैं आपके सामने अनबॉक्स करने वाला हूं दोस्तों इन्हें अनबॉक्स करने से पहले इस ब्रांड के बारे में कुछ कहना चाहूँगा क्रैमस्टर एक इंडियन ब्रांड है 2004 से ये सिचुएटेड है इंडिया में इसका मेन हब आई गेस बैंगलोर में है हालांकि इन ग्लव्स की कीमत थोड़ी ज़्यादा है बट अभी कुछ पाँच छः दिनों पहले ही इस पर सेल शुरू हुई है दे आर सेलिंग देम फ्रॉम 15% परसेंट टू 50 परसेंट डिस्काउंट उन्होंने उनके साइट पर क्रैमस्टर पर लॉकडाउन सेल नाम से ये अनाउंस किया है ये सिर्फ ऑनलाइन सेल अवेलेबल है और आप यहाँ पर जाकर इन ग्लव्स को या और भी कई सारे एक्सेसरीज जो क्रैमस्टर देता है, जैसे कि जैकेट्स है बैगेज है पैंट्स हैं बूट्स है उसको खरीद सकते हैं आइए अनबॉक्सिंग करते हैं इस ग्लव्स का दोस्तों ये जो ग्लव्स है वो ये पैकेट में आते हैं हालांकि ज़्यादा कुछ ग्रेट पैकिंग है नहीं बट दे कम इन दिस पैकेट एंड इसे अनबॉक्स करते हैं अभी एक प्लास्टिक का सिंपल सा पाउच मिलता है हमें ये वाला इसमें कुछ ना ही ब्रांडिंग है ना ही कुछ है इसके बारे में बट हाँ इसे एक हुक दिया गया है जिससे आप इसके अंदर ग्लव्स रखने के बाद इसे कहीं पर अटका सकते हैं इसके साथ ग्लव्स में कोई पेपर वर्क नहीं आता एज़ यू कैन सी दीज आर द फुल वेड ग्लव्स एक बीच में बटर पेपर है सिर्फ इसमें टैग्स है टैग पर अगर मैं देखूँ तो रियल लेदर लिखा हुआ है और एक और कुछ कार्बन कैलार की ब्रांडिंग की ब्रांडिंग की गई है यहाँ पे कार्बन क्लिक कैलार दिया हुआ है इसमें एज ऑफ नो दे आर सिंग रियल लेदर है अगर मैं इसकी प्राइस देखूँ तो टी आर जी टू इज़ थ्री थाउजेंड फोर हंड्रेड द ओरिजिनल प्राइस बट अभी अगर आप इसे खरीदेंगे साइट से तो अप्रॉक्स 2900 या 2800 या उससे भी कम प्राइस में आपको साइट पर मिल जाएगा ग्लव्स के बारे में बात करते हैं ग्लव्स में अगर सामने की तरफ हम देखेंगे तो काफ़ी अच्छे से प्रोटेक्शन है आपके नकल्स पर भी काफ़ी प्रोटेक्शन है दोनों भी जॉइंट्स पर फिंगर के और नकल्स पर भी हार्ड केवलार प्रोटेक्शन है जो कि उन्होंने कहा है थम पर भी प्रोटेक्शन है पिंकी फिंगर पर भी यहाँ पर आपको प्रोटेक्शन दिखाई देता है नीचे की तरफ आएंगे तो यहाँ पर एक वेलक्रो स्ट्रैप है जो कि आप आपके रिस्ट पर इसे टाइटन कर सकते हैं और यहाँ पर नीचे काफ़ी पैडिंग भी दी गई है और यहाँ पर एक रबर कोटेड ग्रिप भी है पीछे की तरफ आते हैं तो जो पाम रेस्ट है वो ऐसा दिखता है इसका पाम के ऊपर यहाँ पर पाम स्लाइडर नहीं है हालांकि विच इज़ नॉट अ ग्रेट थिंग आई एम नॉट हैप्पी विद दिस कि यहाँ पर एक पाम स्लाइडर दिया नहीं गया क्योंकि हम जब भी गिरते हैं तो पाम स्लाइडर हमें बचाता है बट देर इज अ सॉफ्ट मटेरियल कुशन मटेरियल जो कि थोड़ा बहुत आपको हेल्प कर सकता है बट नॉट एज गुड एज द पाम स्लाइडर द हार्ड प्लाम पाम स्लाइडर देन दिस इज कम्प्लीटली लेदर दिस इज़ कम्प्लीटली स्ट्रिच्ड लेदर और यहाँ पर एक एडिशनल लिप दिया गया है सो दैट इट इज़ ईजियर फॉर यू टू यू नो पुल देन वेन यू आर यूजिंग इट एक वेलक्रो स्ट्रैप है जो कि आप रिस्ट के पास टाइटनिंग कर सकते हैं यहाँ पर अगर आप देख सकें तो एंड फाइनली द गटलेट स्ट्रैप यहाँ पर पीछे की तरफ एक और चीज़ मैं बताना चाहूँगा यहाँ पर एक फॉल्स पॉकेट दिया गया है ये अगर देख सकते हो और उस फॉल्स पॉकेट के नीचे यहाँ पर एक और सॉफ्ट क्वेश्चनिंग दी गई है तो वॉट यू कैन डू यू कैन यूज़ इट एज अ पॉकेट ये थोड़ा सा यू नो दिस पॉकेट इज़ हेल्पफुल वैन देर इज़ अ वॉट डू कॉल इट इम्पैक्ट तो वो इसके बीच में थोड़ा सा आपको इम्पैक्ट में थोड़ा बहुत हेल्प करता है यहाँ पे पीछे भी एक क्वेश्चनिंग है तो नकल्स के ऊपर थोड़ा सा इम्पैक्ट होने से आपको थोड़ा सा हेल्प मिलता है ज़्यादा हेल्प नहीं मिलता बट इट्स मच बेटर टू हैव अ फॉल्स पॉकेट हेयर और सेकेंडली इंडियन जुगाड़ है यहाँ पर पेट्रोल पम्प पर जाने से पहले या कुछ आप कहीं पर रुक कर खाने वाने वाले हो और ये ग्लव्स आपको बार बार निकलने नहीं है क्योंकि बिकॉज ये फुल ग्वान्टेड ग्लव्स है और इसे निकालना थोड़ा सा टीडियस है हर बार यू you नो know. आपको ये दोनों वेलक्रोज निकालने पड़ते हैं और फिर वापस से रिस्ट ओपन करो देन हाथ निकालो वापस से वो पहनो आप क्या कर सकते हो कि आप यहाँ पर कोई भी एक 100 200 या 500 का नोट डाल सकते हो जो कि निकलेगा नहीं काफ़ी स्पेस है यहाँ पे इसे मैं पहनता हूँ और पहनकर दिखाता हूँ हाउ डज़ दे लुक ऑन माय हैंड एंड व्हाट इज़ द फीलिंग इनसाइड माय हैंड इज़ हैविंग सो इसे मैं पहन चुका हूँ दिस इज़ हाउ इट इज़ दिस इज़ वेरी वेरी स्मॉक फिट Uh, मैं इतना स्नक फिट एक्सपेक्ट नहीं कर रहा था शायद जो साइज़ uh, मैंने ली है वो परफेक्ट है uh, आप उनके साइट पर से जब ग्लव्स uh, लेंगे तो वहाँ पर नीचे ही एक साइज चार्ट है आप अपने हाथ को उस साइज़ चार्ट के हिसाब से मेजर करके हाइट या विड्थ के साथ मेजर करके आप uh, इसे खरीद सकते हैं मैंने भी उसी साइज़ चार्ट को फॉलो किया है एंड सरप्राइजिंगली uh, बहुत ही स्नक फिट है मच बेटर स्नक फिट देन द बीबी जी रेसर राइडिंग स्नेल राइडिंग ग्लव जो मैंने लास्ट वीक ही रिव्यू किए थे आई वॉज नॉट एक्सपेक्टिंग इसका जो इंटेरियर मटेरियल है वो उतना अच्छा नहीं है बी बी जी जितना बट आई एम वेरी हैप्पी विद द स्नक फिट अगर यहाँ पर अब आप देख सकते हो तो ये वेलक्रोस स्टैप है जिसे मैं मेरे रिस्ट uh, के साथ टाइटनिंग कर सकता हूँ यह लिप है यहाँ पर एक एडिशनल जिसे मैं पुल कर सकता हूँ इसे एंड तक एंड देन फाइनली इसे गौटलेट पर टाइपिंग कर सकता हूँ सो दिस इज हाउ दे लुक फाइनल लुक इसका जो है लुक एंड फील जो है टाइपिंग करने के बाद यहाँ पर मुझे साइड्स पर दोनों साइड्स पर हाथों के देख सकते हो आप यहाँ पर एक कुशनिंग है और यहाँ पर एक कुशनिंग है यहाँ पर एक कुशनिंग है पिंकी फिंगर पर मुझे एक कैलार uh, प्रोटेक्शन मिलता है प्लस ये जो एडिशनल मटेरियल आप देख रहे हैं ये भी काफ़ी सॉफ़्ट है अनफॉर्चुनेटली इसमें सेलफोन टच नहीं है आ, बट ठीक है जनरली फुल गांड ग्लव्स में वो होता भी नहीं आ, जो बहुत ही महंगे महंगे ग्लव्स है तो उनके ऊपर यू नो ये मिल सकता है बट मैंने तो कहीं पर नॉर्मल जो एक बेसिक बजट ओरिएंटेड ग्लव्स है उसमें ये देखा नहीं है आई एम वेरी हैप्पी यू नो विद दिस केवल मटेरियल यहाँ पर और अगर आप अभी देख सकते हो पहनने के बाद आ, यहाँ पर ये एक सॉफ्ट मटेरियल आ गया है एज़ यू कैन सी और ये काफ़ी टाइट है काफ़ी स्नक फिट आई एम वेरी वेरी हैप्पी विद द फिट यू नो दे लुक गुड उनका एक लुक काफ़ी अच्छा आया है आप यहाँ से भी पुल कर सकते हो यहाँ से पुल कर सकते हो इंपॉर्टेंट चीज़ इसके बारे में जो मैं बताना चाहूँगा वो ये है कि इट आल्सो हैज़ अ हुक टू अटैच इट टू योर जैकेट और टू अटैच देम टुगेदर एंड अटैच इट समवेयर टू योर जैकेट और टू योर पैंट विच इज़ अ ग्रेट थिंग प्योर लेदर है तो वाटरप्रूफ होने का तो चांस ही नहीं बट ठीक है अभी बारिश चली गई है तो आप इसे पहन सकते हैं हालांकि कुछ कुछ एरिया में अभी भी बारिश हो रही है व्हाट आई हैव लाइक मोस्ट अबाउट इट इज़ द कटआउट्स यहाँ पर अगर आप देख पा रहे हो तो यहाँ पर कटआउट्स है और यहाँ पर एयर वेंटिलेशन दिया गया है इफ़ आई डोंट नो इफ़ यू कैन सी दिस यहाँ पर फिंगर्स के जो फोल्ड्स है यहाँ पर एयर वेंटिलेशन दिया गया है सो so ये एक बहुत ही बढ़िया बात है एंड ओवरऑल मुझे इसका लुक एंड फील बहुत पसंद आया है जो फिट है वो बहुत पसंद आया यू नो बाइक पर काफ़ी अच्छा दिखने वाला है मैं इसे भी पहनकर दिखाता हूँ आपको सी दिस इज़ हाउ इट फील्स दिस इज़ फीलिंग रियली वेरी टाइट एंड स्नॉक फिट ऑन योर हैंड्स इसके ऊपर या इसके अंदर आपका जैकेट भी चला जाएगा तो आपके पास इनफ स्पेस है सो so, आई ओनली विश वन थिंग कि यहाँ पर अगर ये एक हार्ड पाम स्लाइडर होता या दो पाम स्लाइडर होते जैसे बी बी जी राइडिंग ग्लव्स में थे तो ज़्यादा मज़ा आता um, बाकी ओवरऑल इसका फिट मुझे बहुत बढ़िया लग रहा है इट्स मच 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 बेटर दैन द बी बी जी स्नेल राइडिंग ग्लव्स बिकॉज वो हाइट में काफ़ी अच्छे से फिट हो रहे थे पर विड्थ में वो काफ़ी चौड़े लग रहे थे मेरा हाथ काफ़ी बड़ा लग रहा था बट इसमें आप देख सकते हो इतना बड़ा हाथ है नहीं कलर्स इसमें काफ़ी सारे अवेलेबल है ऑरेंज वाइट है ग्रीन है येलो है काफ़ी अलग अलग कलर्स है आप साइड पे जाके ज़रूर देखिए कि एक बात मुझे पसंद है कि इसके ऊपर जो यहाँ पर ब्रांडिंग देख पा रहे हो तो क्रैमस्टर का ब्रांडिंग दिया हुआ है जो कि इतना ही है बीबीजी जैसा नहीं है हर जगह पर ब्रांडिंग डाल के रखी है यू नो यहाँ पर ब्रांडिंग यहाँ पर ब्रांडिंग सो यू नो ये एक बात मुझे थोड़ी सी अच्छी लगी इसके बारे में इसका फिट मुझे बहुत पसंद आया हाँ यहाँ पर अगर पाम स्लाइडर होता तो मैं और ज़्यादा खुश होता क्योंकि वो बहुत ज़्यादा सेफ़ होता है बट ठीक है ये जो प्राइस रेंज रखी हुई है उसमें ये एक्सेप्टेबल तो नहीं है बट ठीक है अभी क्या कर सकते हैं ये उनका डिज़ाइन है सो प्लीज़ बी केयरफुल वाई ऑल्सो बाइंग दिस कीप दिस इन माइंड हाँ ये जो प्रोटेक्शन है वो केवलार प्रोटेक्शन है सो इट इज़ मच बेटर दैन नॉर्मल प्लास्टिक प्रोटेक्शन दैट इज वट इट इज़ बिन रिटर्न यहाँ पर सो दैट्स ऑल फ्रॉम माई साइड अबाउट दिस लव्स अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ इसे लाइक करें इसे नीचे कमेंट सेक्शन में मुझे बताएं आपको वीडियो कैसा लगा और इसे ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करें अगर आप मेरे चैनल पर पहली बार आ रहे हैं तो प्लीज़ मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब करें सब्सक्राइब करने के बाद वो नोटिफिकेशन बेल ज़रूर दबाएं ताकि आपको फ्यूचर के सारे अपडेट्स मिलते रहे दोस्तों आज के लिए इतना ही मिलूँगा आपको अगले ही ऐसे वीडियो में और हाँ इसका जल्दी से जल्दी रिव्यू मैं आपके सामने लाने की कोशिश करूँगा तब तक स्टे होम और गो आउट बट डू टेक केयर ऑफ़ योर सेल्फ डू टेक केयर ऑफ योर फैमिली एंड कीप डूइंग सोशल डिस्टेंसिंग कीप मेंटेनिंग सैनिटाइजेशन कीप यूजिंग द मास्क अगले हफ्ते मिलूंगा आपको ऐसे ही किसी वीडियो के साथ तब तक हैव अ नाइस डे